Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about defining function in Excel. How we can define a function in Excel, हम इस चीज की बात इस वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे. ये जानना बहुत जरूरी है कि डिफरेंट एक्सेल फंक्शंस को हम कैसे इंटरप्रेट करें. स्टूडेंट, सबसे पहले नोट कीजिएगा, ऑल फंक्शन इन एक्सेल स्टार्ट विद इक्वल टू सिंबल. जैसे ही आप इक्वल टू सिंबल को लगाएंगे तो एक्सेल को यह बात पता चल जाती है कि यूजर किसी फंक्शन को यूज करने जा रहा है. सो ये इक्वल टू सिंबल एक्सेल को शो कर देता है सम फंक्शन इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड. सो ऑल फंक्शन इन एक्सेल स्टार्ट विद इक्वल टू सिंबल. ए फंक्शन कंसिस्ट ऑफ सिंटेक्स एज इक्वल टू सम पेरेंथेसिस स्टार्ट नंबर वन कॉमा नंबर टू कॉमा एंड सो ऑन पेरेंथेसिस क्लोज. आप लोगों ने यह देखा होगा कि जब भी आप किसी फंक्शन को टेकअप करते हैं तो उसका सबसे पहले आपके सामने यह सिंटेक्स लिखा आता है. सिंटेक्स मीन्स इस फंक्शन को लिखने का तरीका. फंक्शंस को इस तरह से लिखा गया है. इस फंक्शन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को समझना बहुत जरूरी है. स्टूडेंट, सबसे पहले नोट कीजिएगा कि हमने इक्वल्स टू का साइन लगा दिया तो एक्सेल को यह पता चल गया कि यह फंक्शन को यूज करने जा रहा है. अब इसके बाकी के सिंटेक्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. द फर्स्ट वन इज सम. ये जो सम आप लिखा हुआ देख रहे हैं, दिस इज द नेम ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन. तो हम ये कह देते हैं हम सम फंक्शन को यूज कर रहे हैं. द सेकेंड इज द सिंबल ब्रैकेट. दिस ब्रैकेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज पेरेंथीसिस. हम एक्सेल के अंदर इस चीज को नाम देंगे पेरेंथीसिस. द थर्ड वन इज नंबर वन. दिस नंबर वन इज नोन एज आर्गुमेंट आर पैरामीटर. द फोर्थ इज सिंबल कॉमा. ये जो नंबर वन के बाद आप कॉमा को देख रहे हैं, दिस कॉमा इज नोन एज सेपरेटर. इट मीन्स एक आर्गुमेंट को दूसरे आर्गुमेंट से अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे और कॉमा टर्म यहां पर सेपरेटर का काम करेगी. तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये सेपरेटर है. फिफ्थ पॉइंट इज इन पेरेंथेसिस. इन दीज ब्रैकेट्स, इन पेरेंथेसिस वी राइट डिफरेंट आर्गुमेंट्स. आप देख रहे हैं नंबर वन आर्गुमेंट नंबर टू आर्गुमेंट विच आर सेपरेटेड बाय कॉमा. ये आर्गुमेंट्स कॉमा के द्वारा सेपरेट किए गए हैं. सो हमारे पास यहां पर इक्वल्स टू सम फंक्शन है. सम इज द नेम ऑफ द फंक्शन. पेरेंथेसिस स्टार्ट, देन वी हैव फर्स्ट आर्गुमेंट, देन वी हैव सेकेंड आर्गुमेंट एंड देन वी हैव एंड पेरेंथेसिस. आइएगा इस बात को एक और फंक्शन लेके अंडरस्टैंड करते हैं. मैं यहां पर इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. यहां पर मेरे पास इक्वल्स टू साइन इफ शो करता है कि ये फंक्शन का नाम है. दिस इफ इज द नेम ऑफ द फंक्शन. ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हो, दिस इज द स्टार्ट पेरेंथेसिस. लॉजिकल टेस्ट, दिस इज आर्गुमेंट वन. दिस कॉमा इज सेपरेटर. वैल्यू इफ ट्रू, दिस इज आर्गुमेंट टू. अगेन वी हैव ए सेपरेटर इन द फॉर्म ऑफ कॉमा एंड देन वी हैव द लास्ट आर्गुमेंट दैट इज आर्गुमेंट थ्री एंड नाउ वी हैव एंड पेरेंथेसिस. सो किसी भी फंक्शन को लिखना है तो वो पेरेंथेसिस के अंदर आएगा और पेरेंथेसिस के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो डिफरेंट आर्गुमेंट्स हैं और ये आर्गुमेंट्स कॉमा सेपरेटर के द्वारा एक से दूसरे को अलग किए जाते हैं. आइएगा मैं आपको ये इफ फंक्शन भी एक्सप्लेन कर देता हूं. इफ का मतलब अगर. उस केस के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज है लॉजिकल टेस्ट. इट मीन्स हमारे को कोई कंडीशन दी गई है. मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको इंटरप्रेट कर देता हूं. अगर स्टूडेंट के मार्क्स 100 में से 40 हैं तो उसे डिक्लेयर करो पास, नहीं तो उसे डिक्लेयर करो फेल. इट मींस अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो आप सेकेंड आर्गुमेंट को इंप्लीमेंट कर दो, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप थर्ड आर्गुमेंट को फुलफिल कर दो. स्टूडेंट के अगर 100 में से 40 मार्क्स हैं, दिस इज द कंडीशन. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आप आर्गुमेंट टू को इंप्लीमेंट कर दो और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप आर्गुमेंट थ्री को इंप्लीमेंट कर दो. इस तरह से हम
डिफरेंट फंक्शंस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये बात बहुत जरूरी थी क्योंकि मैंने महसूस किया कि जब क्लासेस के अंदर हम पढ़ाते हैं तो वहां पर स्टूडेंट को ये फंक्शन लिखना तो आता है लेकिन वो इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करता। मेरे ख्याल से इस छोटे से वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको ये चीज पता चल गई कि स्टार्ट पॉइंट नेम ऑफ द फंक्शन है, देन वी हैव स्टार्ट पेरेंथेसिस, देन वी हैव नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड दीज नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा व्हिच इज टर्म्ड एज सेपरेटर, और एंड के अंदर हमारे पास एंड पेरेंथेसिस है। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर विल बी वेरी मच यूजफुल टू यू। Whenever you go for Excel functions, you will make use of this particular lecture. Thank you very much.